रोका। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती, मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आठ शहरों में एयरटेल की 5G सर्विस आज से, जियो अगले साल देशभर में देगा 5G। इंडोनेशिया में 174 फुटबॉल मैच के दौरान की मौत, फैंस पहले घुसे मैदान में और फिर शुरू हुआ तांडव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। देशभर में गांधी जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा भी चलाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री AK शर्मा जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, माननीय विधायक बोरा जी, माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश शासन के सलाहकार पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, खबर चंदौली से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुलिस लाइन में SP अंकुर अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। इस दौरान समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही SP ने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में ट्रक ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों को इलाज जारी है। इसके बाद जिला अस्पताल हैलेट में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी और CM योगी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शोक जताया, साथ ही मृतक को और घायलों को परिजनों की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। सुल्तानपुर जिले में लगातार बढ़ती बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी की अगुवाई में संचारी रोग नियंत्रण की शुरुआत की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में 60 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नालियों की सफाई सहित झाड़ियों को काटने का काम भी किया जाएगा। शासन के दिशा निर्देश अनुसार जिलाधिकारी अगुवाई में इसकी शुरुआत फैजुल्लागंज गाँव से की जाएगी। हर विभाग को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। नियंत्रण अभियान का जो ये वाला एडिशन है वो शुरू हो रहा है। इसमें लगभग 1 महीने तक चरणबद्ध तरीके से जो नाले हैं उनकी एक मतलब जो नियमित सफाई से ऊपर हट करके एक डीप सफाई होनी है, और जहाँ जहाँ पर झाड़ियाँ हैं उनकी कटाई होनी है, क्योंकि बरसात के बाद उगाए होंगे, और एंटी लार्वल और ब्लीचिंग पाउडर का छोटा बेसिकली जो वेक्टर जनित रोग है उनकी रोकथाम के लिए। और साथ ही जैसे अभी यहाँ पर आके ये बात की ज्ञात हुआ कि ये गांव भी SLWM जो मिशन है, जो SBM फेज 2 एक तरह का है, हमें कम से कम 100 सफाई कर्मियों को लगाकर एक सफाई अभियान विधेयक कराया गया है, जिसमें नालियों की सफाई कराई गई है, झाड़ियों की सफाई कराई गई है, यहाँ तक कि कुछ बड़ी झाड़ियाँ थी उसको कटवाने के लिए JCB का भी प्रयोग किया गया है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है, और ये अभियान लगातार हर गांव में 31 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा।
संचारी रोग नियंत्रण की शुरुआत क्षेत्र में हुई है, जिसके लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने साफ सफाई की पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सुल्तानपुर जिले में लगातार बढ़ रही बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी की अगुवाई में संचारी रोग नियंत्रण की शुरुआत की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले से 60 गांवों को चिन्हित किया गया है, जिसमें नालियों की साफ सफाई सहित झाड़ियों को काटने का काम किया जाएगा। वहीं इस संचारी रोग नियंत्रण के साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाले DPRO आर के भारती ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी अगुवाई में इसकी शुरुआत फैजुल्लागंज गाँव से की गई है और विभाग को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई इसको लेकर। खबर अलीगढ़ से, जहां के थाना ससनी गेट इलाके में युवती को पिछले दिनों एक गैर समुदाय का युवक बहला फुसलाकर ले गया था। बता दें कि युवती को पुलिस द्वारा मुंबई से बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले को उचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत करके आरोपी युवक को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ससनी गेट में महेंद्र नगर मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा अपनी बालिक लड़की को एक गैर समुदाय के लड़के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस टीम द्वारा लड़का लड़की को मुंबई से बरामद किया गया है। लड़के को उचित धाराओं में जेल भेजा गया है तथा लड़की को न्यायालय के आदेश के क्रम में उसके माँ बाप के सुपुर्द किया गया है। खबर बलिया से, जहां पंचायत और प्रशासन के लापरवाही के कारण गौवंशों पर कयामत बरस रही है। गौवंशों को भरपेट चारा तो दूर की बात है, उनका बीमारी और रोगों से पीड़ित गौवंशों का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। जब हमारी टीम ने बलिया के अलग अलग गौशालों में स्थिति को जानने की कोशिश की तो हमारी पड़ताल में सामने आया कि गौशाला में दफन होने वाले गौवंश के बिखरे हुए हड्डी के टुकड़े अपनी निशानदेही खुद बयां कर रहे हैं। लग रहा था कि जैसे कोई कब्रगाह हो। चारा भूसा बहुत कम मात्रा में था तो वहां दवाइयों को कूड़े की तरह रखा गया था। ये कौन सा जगह है? ये तो गौशाला है। कहाँ पे बना है ये? ये वन विभाग में बना है। वन विभाग में? ये किस गांव में है? ये बछाईपुर। बछाईपुर में। यहाँ पे कितने बछड़े हैं? इतना बछड़े तो हम गिने न है, मगर 100 से ऊपर है। अच्छा अच्छा। अभी देखा गया कि कितने कई बछड़े मरे पड़े हैं यहाँ पे जो गाड़ दिए गए हैं? अभी वो गाड़ लेके दिए तो मान लीजिए तो हमनी में मुअल जियल होते हैं, आदमी में होते हैं। एक जाना सुबह रही कहते रहे कि किसी ने मर गया है। अरे भाई मुअल जियल तो बटल बा, आदमियों में मुअल जियल बाटे। पूरे भारतवर्ष में आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जनपद में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान नया सवेरा के दृष्टिगत सभी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया और नशे जैसी कुकृति को त्यागने संबंधी शपथ भी दिलाई गई। बुलंदशहर के अनूपशहर कस्बे में एक काली माता का प्राचीन मंदिरों में दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। भू माफियाओं ने न केवल काली माता की मूर्ति को ही गायब कर दिया है, बल्कि माता की मूर्ति खंडित भी कर दिया गया है। दबंग लोगों ने मंदिर को जगह पर ही एक शौचालय का टैंक भी बनवा दिया है और घर व दुकान में बनाने की कोशिश करने लगे, जिससे अनूपशहर की जनता को आस्था की बहुत भारी ठेस पहुँची है। जनता का भी ये कहना है कि अधिकारियों को साठगांठ से ही इस मंदिर को खुद ब खुद किया जाएगा। अनूपशहर कस्बे में लोगों ने SDM से भी शिकायत की, पर SDM ने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे। बुलंदशहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक सुसाइड कांड की जांच करने टीम पहुंची। इस दौरान जांच टीम में शामिल SDM फाइनेंस और SP देहात ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ और प्रबंधन से पूछताछ की। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों द्वारा सुसाइड का प्रयास किया गया था, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद शासन के आदेश पर DM ने जांच के लिए टीम बना दी है। दिनों एक बच्चा जो परीक्षा में फेल हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था, उसी की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई है और उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए थे।
कुछ रिकॉर्ड हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ, अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है। लखीमपुर खीरे के वासा गांव के मजार कंधारपुर में कमरे के अंदर दुपट्टे से छत के कुंडे में शव लटका हुआ मिला है। तो वहीं मामले को लेकर युवती के परिजनों ने बताया कि वो नवरात का व्रत थी। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोबाइल को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं जब सुबह रोने की आवाज़ सुनाई दी तो हमने लोगों से कहा कि देखिए कौन रो रहा है, क्या है, कहाँ पे क्या है, कौन किसके घर कोई मातम हो गया है या कुछ भी हुआ है। तो लोगों ने बताया कि हाँ वहाँ आंसी के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं पीछे वाले दरवाजे से आया, देखा वो दरवाज़ा बंद था। फिर उसके बाद मैं अगले दरवाजे से आया तो ये दरवाज़ा खुला था। हमने देखा कि आंसी यहाँ पे फंदे से लटक रही है कमरे के अंदर। संभल में सूफी धर्म गुरु ने भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध को सही बताया है। साथ ही राहुल गांधी के पदयात्रा को हराम बताते हुए जुबानी फतवा जारी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। संगठन कट्टरवादी, उनको हमेशा उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारे जैसे सूफीज्म है, सूफीज्म ने कभी इन कट्टरवादियों को बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा सूफिया ने हमेशा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क से और इस मुल्क की हमेशा तरक्की के लिए दुआ करी और इस मुल्क में अमन और सुकून का पैगाम दिया और भाईचारा का पैगाम दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को साथ जोड़कर इस मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा सूफिज्म आगे रहा। यूपी के हमीरपुर जिले में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ने पंखे में फांसी लगाकर अपनी लीला समाप्त कर दी। मृतक बीते दिनों भारी वर्षा बारिश से खराब व तिल की फसल से मानसिक रूप से परेशान रहता था। परिजनों ने उसे आनंद फानन में सीएससी मुस्करा में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुस्करा मोहाल क्षेत्र घटना घटी है। घटना घटी है, छोटा भाई ने आत्महत्या कर ली। कारण जैसा कि मानसिक रूप से ऐसी जाते हो, पर साल ग्रीन कार्ड भी उन्होंने लिया था और ग्रीन कार्ड के संगे संगे आस खेती में पीली भी थी, 10-15 दिन लगातार पानी बरसा, पीली नष्ट हो गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।